नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया न्यूज के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर और मैं हूं आपके साथ गुलिस्ता। देश के ज्यादातर बाजारों में टमाटर की कीमत 100 रुपए प्रति किलो के पार निकल गई है। होलसेल मार्केट में टमाटर 65 से 70 रुपए किलो प्रति किलो में बिक रहा है। एक हफ्ते पहले होलसेल मार्केट में टमाटर 30 से 35 प्रति किलो में बिक रहे थे। रिटेल मार्केट में इसकी कीमत करीब 40 से 50 रुपए किलो थी, यानी दाम करीब करीब दो गुने हो गए हैं। एक महीने पहले यानी मई में तो उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र के साथ कई राज्यों में टमाटर 2 से 5 रुपए प्रति किलो बिक रहा था। यानी एक महीने में ही टमाटर की कीमतों में 1900% की बढ़ोतरी हुई है। बता दें कि दिल्ली में 70 से 100 रुपए प्रति किलो में टमाटर बिक रहा है। मध्य प्रदेश के मार्केट में टमाटर 80 से लेकर 100 रुपए, जबकि उत्तर प्रदेश में 80 से 100 रुपए, राजस्थान में 90 से 110 रुपए और पंजाब में 60 से 80 रुपए में टमाटर बिक रहे हैं। अब बात करते हैं टमाटर की कीमत बढ़ने के चार कारणों की। तो पहला कारण है, कई राज्यों में बारिश की वजह से टमाटर की फसलों को नुकसान पहुंचा है। कुछ हिस्सों में भीषण गर्मी पड़ रही है जिसके उत्पादन में गिरावट आई है। पड़ोसी राज्यों में पर्याप्त मात्रा में टमाटर की आपूर्ति नहीं हो पा रही है और कई जगहों पर इस साल टमाटर की बुआई पिछले सालों के मुकाबले कम है। पड़ोसी राज्यों से कम आपूर्ति ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट बढ़ी। बता दें कि दिल्ली की आजादपुर थोक मंडी के टमाटर व्यापारी अशोक गाठोर ने बताया कि हफ्ते भर में टमाटर की कीमतें दोगुनी हो गई है और इसकी वजह से हरियाणा और उत्तर प्रदेश से टमाटर की कम आपूर्ति है। टमाटर की आपूर्ति को पूरा करने के लिए दूसरे राज्यों से टमाटर मंगाए जा रहे हैं जिसके ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट बढ़ी है। महाराष्ट्र के नारायण गांव क्षेत्र के किसान अजय बलहेकर ने कहा कि मई में टमाटर की कीमत 2 रुपए प्रति किलो तक आ गई थी। किसानों ने सही कीमत नहीं मिलने की वजह से फसल में कीटनाशकों और उर्वरकों का इस्तेमाल नहीं किया। इससे फसल में बीमारियों का प्रकोप बढ़ गया और उत्पादन में गिरावट आ गई और इससे दाम भी बढ़ गए। अब बताते चले कि बीपर जॉय साइक्लोन ने भी बढ़ाई है मुश्किलें। कुछ एक्सपर्ट्स का मानना है कि बीपर जॉय साइक्लोन की वजह से टमाटर का उत्पादन प्रभावित हुआ है और अब गुजरात और महाराष्ट्र टमाटर का उत्पादन करने वाले टॉप राज्यों में शामिल है जहां बीपर जॉय का असर दिखा। बताते चले कि साइक्लोन की वजह से गुजरात में टमाटर उत्पादन प्रभावित होने का असर कीमतों को बढ़ने को रूप में सामने आया है और टमाटर की नई फसल के साथ 1 से 2 महीने में दाम में गिरावट आने की उम्मीद है। तमिलनाडु एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के मुताबिक टमाटर के पौधे जब 3 महीने के हो जाते हैं तो इनमें हफ्ते में 2 बार टमाटर तोड़ सकते हैं। ये पौधे 1 से 2 महीने की अवधि तक फसल देते हैं। हालांकि ये किस्म मिट्टी और जलवायु परिस्थितियों पर निर्भर करती है। नेशनल हॉर्टिकल्चर रिसर्च एंड डेवलपमेंट फाउंडेशन के मुताबिक चीन के बाद दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा टमाटर उत्पादक देश भारत है। ये करीब 7.89 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में लगभग 25.05 टन प्रति हेक्टेयर की औसत उपज के साथ करीब 2 करोड़ टन टमाटर का उत्पादन करता है। चीन 5.6 करोड़ टन उत्पादन के साथ टॉप पर है। बताते चले कि भारत में 2021 से 22 में 2 करोड़ टन से ज्यादा टमाटर का उत्पादन हुआ था। यहाँ मुख्य तौर पर 2 तरह के टमाटर उगाए जाते हैं, हाइब्रिड और लोकल। मध्य प्रदेश में सबसे बड़ा टमाटर उत्पादक राज्य है और इसके बाद सर्वाधिक टमाटर उगाने वाले राज्यों में आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, तमिलनाडु, उड़ीसा और गुजरात का नंबर है। फिलहाल के लिए इतना ही। और भी अपडेट्स के लिए जुड़े रहे इंडिया न्यूज के डिजिटल प्लेटफॉर्म के साथ। धन्यवाद।